देखा होगा, लेकिन पेशावर में एक शख्स ऐसा भी है जो हाथ से पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर देता है। तफसीलात मसीउर रहमान की इस रिपोर्ट में। ये कोई जादू नहीं बल्कि पेशावर के इलाका शेखान से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद रियाज के हाथ में मौजूद ताकत का करिश्मा है कि पत्थर भी उसके सामने रेत का ढेर साबित होता है। मोहम्मद रियाज का हाथ से पत्थर तोड़ने का मंजर सबके लिए हैरान कन है। रियाज का कहना है कि इसे मालूम नहीं कि यह ताकत उसमें कैसे आई, लेकिन 11 साल की उम्र में पहली बार इसे इस ताकत का अंदाजा उस वक्त हुआ जब उसने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर पत्थर तोड़ा। 11 साल की उम्र में दोस्तों के साथ पत्थर तोड़ने की शर्त लगाई थी और पहली बार पत्थर तोड़ा। मोहम्मद रियाज का कहना है कि डॉक्टर ने इसे पत्थर तोड़ने से मना किया था, लेकिन 58 साल की उम्र में आज भी दोस्तों की ख्वाहिश पर वो हाथ से पत्थर तोड़ने का मुजाहरा करता है। दोस्त देखकर खुश हो जाते हैं, मुझे इसका यही फायदा है। डॉक्टर ने हाथ के ऑपरेशन के बाद मना किया था, लेकिन इसमें दोस्तों की खुशी है। मोहम्मद रियाज के दोस्त ही नहीं, हाथ से पत्थर तोड़ने का मंजर देखने वाला हर शख्स उसकी मुनफरिद सलाहियत का कायल हो जाता है। हमने इसको कई बार मना भी किया कि ये ना कर, इसका हाथ भी जख्मी हो सकता है और तकलीफ भी पहुंच सकती है, मगर ये कहता है कि ये दोस्तों के शौक के लिए और अपने इलाके के लोगों को खुश करने के लिए ये हर वक्त ये करता रहता है। ये हकीकत है, कोई जादू मंत्र वगैरह नहीं है, ये सारा गाँव वाले जो है ना गवाह इस बात का। मोहम्मद रियाज की ख्वाहिश है कि इसके हाथ की ताकत के शानदार कारनामे पर इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाए। कैमरामैन इमरान खान के साथ मसीउर रहमान, समा, पेशावर।